हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कामिनी शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो है सिलेबस फॉर द टीजीटी कमीशन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने देखा होगा, यहाँ जो पुरानी वेबसाइट्स हैं हमारी, या कोई भी ऐसी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे टीजीटी कमीशन के लिए जो सिलेबस है वो डायरेक्ट लिखा होता है दैट सिलेबस इज अप टू बीएससी क्लास। बट कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि हमने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं, पर्टिकुलर चैप्टर्स में पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आज मैं आपके लिए वो पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में लेके आई हूँ, पूरे पिछले पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हैं और जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं या वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पेपर क्वालिफाई करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होता है, फोबिया होता है। बट अगर आप एग्जाम में जाओगे और अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चाहे कुछ ही टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीजीटी कमीशन के लिए फर्स्ट चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है। तो सबसे पहले है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सिंपल चैप्टर तो नहीं है, इसमें सारे सब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन और भी बहुत सारी चीजों को पढ़ते हो। हम वन बाय वन थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका सेकेंड चैप्टर आता है दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आप क्या पढ़ते हो, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन्स के बारे में पढ़ते हो। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, देन आपका आता है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, देन आपका आता है हैलाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स, एंड देन सम इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो एक फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे इसमें आता है पॉलीमर्स, बहुत छोटा सा पार्ट है। देन आपका आ जाएगा बायो मॉलिक्यूल्स, जिसे आप नेचुरल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। देन प्योरिफिकेशन टेस्ट, डिस्टिंक्शन टेस्ट एंड देन नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शंस तो प्लस वन प्लस टू की जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो चलो फिर वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इसके सब पार्ट्स हैं वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो देखो, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो टू टाइप्स की होती है, वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की भी होती है और इनऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स की भी होती है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैं कार्बन कंटेनिंग एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका sp3, sp2, sp के बारे में पूछा जाता है, देन आपके कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं उन चीजों के बारे में पूछा जाता है, बॉन्ड एंगल्स के बारे में पूछा जाता है, शेप और ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, नॉट फॉर द टीजीटी एग्जाम, ये अनदर केमिस्ट्री के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, या तो आपको आईयूपीएसी स्ट्रक्चर दिया होगा और उसका नेम पूछा होगा, या नेम दिया होगा उसका स्ट्रक्चर पूछा होगा। ये तो सबसे बेसिक पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो मैंने देखा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, जहां पे क्या है, उन्होंने ऑप्शन में पूछा होता है कि बताओ इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, या फिर ऐसे पूछा होगा कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है या न्यूक्लियोफाइल नहीं है। एक चीज मैंने और नोटिस की थी कि एक क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में कि उन्होंने पूछा हुआ था कि एक रिएक्शन दी हुई थी और पूछा हुआ था कि बताओ इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यूज किया जा रहा है।
क्लियर है इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इफेक्ट्स के बारे में, जिसमें आप बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हो, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हो, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो, मीजोमेरिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, देन रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होते हैं, मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं तीन चार, और पूछा होता है कि कौन सा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एसिडिटी में, कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है बेसिसिटी में, तो वहां पे हमने कुछ ये फिनोमिनास अप्लाई करने होते हैं और ये चेक करना होता है कि कौन सा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, और उसके बेसिस पे बताना होता है कि एसिडिक है, बेसिक है, या जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो बताना होता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वो आए हैं आपके एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये चीज जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्होंने तीन चार कंपाउंड्स दिए होते हैं और पूछा होता है इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो आप उनको अरेंज करो, तो वो सारा किस बेसिस पे बताओगे, इफेक्ट्स के ऊपर बताओगे। मेनली जो इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं दैट इज कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है, इसमें जो सब पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन के बीच में थोड़े टाइम के लिए बनते हैं। अब वो इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, कार्बियनाइन, रेडिकल्स, नाइट्रीन्स, कार्बिन्स भी हो सकता है। मैंने जब पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया तो मैंने देखा वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था कि उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो वहां पे उन्होंने कार्बोकेटाइन भी दिया था, कार्बियनाइन भी दिया था और नाइट्रीन्स भी दिया हुआ था। मेनली तो आपके पेपर में क्वेश्चन सिर्फ कार्बोकेटाइन और कार्बियनाइन के आते हैं, लेकिन फिर भी जो बाकी के इंटरमीडिएट हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब डे बाय डे क्या हो रहा है, एग्जाम का लेवल हाई होता जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो कार्बोकेटाइन और कार्बियनाइन को ना पूछे और नाइट्रीन्स या रेडिकल्स में से क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद आपका आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख के ही लगता है कि हाँ भाई हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एडिशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, या फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा मैकेनिज्म यूज हुआ है, दैट इज SN1 और SN2। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट आपका आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा पूछी गई है वो दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन जो है वो हर साल देखने को मिला है, जिसमें आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं, तो वो पूछ लेता है कि बताओ कोई उन्होंने IUPAC नेमिंग दे दी है या फिर उन्होंने कोई मॉलिक्यूल दे दिया है या उन्होंने कोई कंपाउंड दे दिया और पूछा होगा कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल एक्टिविटीज में, ऑप्टिकल एक्टिविटीज में, एंड देन आपका क्वेश्चन आता है कायरलिटी में। कायरलिटी से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं कि कौन सी कार्बन कायरल है और कौन सी कार्बन कायरल नहीं है। सिसो ट्रांस में से भी क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से भी आ जाता है, स्ट्रक्चर से भी आता है, लिंकेज से भी आता है। तो ये चीजें जो है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब पार्ट्स में आती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमें कौन से टॉपिक अपने प्रॉपरली प्रिपेयर करने हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, IUPAC, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड चैप्टर आपका जो आता है दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है, आप एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन्स और एल्काइन्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे आप उनकी जनरेशन कि वो कैसे जनरेट होते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, कैसे उनकी प्रेपरेशन होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगे उनके, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, डेंसिटी से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, और या उन्होंने पूछा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है किसमें नहीं होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब मेन पार्ट जो आता है मेजर केमिस्ट्री वाला पार्ट, वो आता है केमिकल रिएक्शंस। तो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स की आपको रिएक्शंस का होना बहुत रिएक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें वो आपसे नेमिंग रिएक्शन भी पूछ सकता है, इंटरमीडिएट्स भी उसी में आते हैं, मैकेनिज्म भी उसी से पता चलता है।
तो ये चीजों का पता होना जरूरी है। उसके बाद आपका सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज में, दैट इज द मार्कोनिक ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर आपका है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसे आप क्या कहते हो, अमीन्स कहते हो। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन चैप्टर। प्लस वन प्लस टू से लेके बीएससी तक की जो भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं वो इसमें करवाई जाएंगी। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपका सिंपल यही नहीं है कि कार्बोक्सिलिक ही आता है, इसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया, कीटोन्स हो गए, फिनोल्स, ईथर्स, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आती हैं, जिनमें आप इनकी जनरेशन के बारे में, प्रेपरेशन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बाकी सारी चीजें भी आप इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका हैलाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स। हैलाइड्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, जिन्हें आप हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और यहाँ से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो उन्होंने कोई नेमिंग रिएक्शन पूछी होगी कि बताओ ये नेमिंग रिएक्शन दी होगी और पूछा होगा कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, या फिर डायरेक्ट उन्होंने नेमिंग रिएक्शन दी होगी और पूछा होगा कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है या कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है। ये कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। उसके बाद आता है आपका बहुत छोटे छोटे से टॉपिक जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जहां से अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सिंपल सी डेफिनेशंस आती हैं, दैट इज द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपको डेफिनेशंस का पता होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है कि चार स्टेटमेंट्स दी होती हैं किसी भी सब टॉपिक के ऊपर और पूछा होता है कि बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पॉलीमर से वैसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उन्होंने डायरेक्ट पूछा होगा कि इसमें कौन सा मोनोमर जो है वो यूज हो रहा है, जैसे नायलन 66 बनाना है तो कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, नेचुरल रबड़ बनानी है ये सिंथेटिक रबड़ बनानी है तो कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, ये वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ कर रहे हो तो किस एलिमेंट का यूज जो है उसमें किया जाता है, या फिर कोई भी आपको पॉलीमर दे देंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बता देंगे, एडिशन के बारे में पूछा होगा, या फिर कोई पॉलीमर दिया होगा उसके प्रॉपर्टीज या फिर यूजेस के बारे में पूछा होगा। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, जिसे नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो बायो वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन नॉन मेडिकल वालों के लिए भी इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में, विटामिंस के बारे में, वो डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है जस्ट फॉर चेकिंग योर नॉलेज। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं हम प्योरिफिकेशन टेस्ट। ये अभी तक इतना टॉपिक आया नहीं है, लेकिन मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि एक आधे साल में एक एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो इसमें जो है वो पूछ लेते हैं कि कोई एलिमेंट है उसकी प्योरिफिकेशन कैसे की जाएगी। तो प्योरिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आप जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, तो ऐसे उन्होंने प्योरिफिकेशन टेस्ट के बारे में पूछा होगा कि किसके लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है डिस्टिंक्शन टेस्ट। जैसे मान लो उन्होंने पूछा होगा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो बताओ कि कौन सा टेस्ट यूज होगा, या फिर उन्होंने डायरेक्ट पूछा होगा कि फैलिन सॉल्यूशन किस किस के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है, किसके लिए वो टेस्ट नहीं देता है। ये क्वेश्चन शायद 2018 में आ भी चुका है, जिसमें उन्होंने फैलिन सॉल्यूशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन जो है वो फैलिन सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो जब हम सारा पढ़ते हैं रिएक्शंस के बारे में, तो उसको समराइज किया जाएगा नेमिंग रिएक्शंस में, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस के लिए अलग से टॉपिक बनाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो नेमिंग रिएक्शंस जो प्लस वन प्लस टू की तो जो मेन है वो तो करनी ही करनी है, जिसमें आपका आ जाता है राइमर टाइमर, वॉल्फ किशनर, क्लीमेंसन, रोजनमंड रिएक्शन, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारी के सारे रिएक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अप टू बीएससी लेवल तक हम ये सारी रिएक्शंस को जो है वो एक साथ करेंगे। इससे क्या होता है, हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है, डिस्टिंक्शन टेस्ट साथ में आ जाते हैं। दैट इज वाई दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर है इतनी सी बात। तो आई होप कि आपको ये चीज हेल्प करेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रेपरेशन के लिए। तो ये वो वाले टॉपिक थे जो आपका जिन
आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम टाइम देखे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है. थैंक यू सो मच. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट. ऑल द बेस्ट.